यहाँ पर हमें पता करना है कि कोई भी ट्रायंगल का तीन एंगल दिए हुआ है, उससे पता करना है कि ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। हम जानते हैं कि अगर तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। इसलिए इसके लिए प्रोग्राम पहले हेडरफाइल इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, अब सॉरी int मेन ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस। अब यहाँ पर तीनों एंगल के लिए ले लेते हैं इनपुट int amg1, amg2, ठीक है। amg3, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। अब टोटल एंगल ले लेते हैं TO AMG टोटल एंगल, ठीक है। अब तीनों एंगल को इनपुट लेने के लिए पहले प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ इंटर एंगल्स एंगल स्लैश एन अब इसको स्कैन करवा लेते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी, फर्स्ट एंगल में परसेंट डी, सेकेंड एंगल में परसेंट डी, थर्ड एंगल के लिए कॉमा एंड ENG1 कॉमा एंड ENG2 कॉमा एंड ENG3। अब टोटल एंगल निकाल लेते हैं सम करके, TOANG इक्वल टू ENG1 प्लस ENG2 प्लस ENG3। अब कंपेयर करते हैं इफ TOANG इक्वल टू 180, अगर टोटल एंगल का वैल्यू अगर 180 आता है तो क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ एंग ट्रायंगल इज वैलिड ट्रायंगल इज वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। तो एल्स प्रिंट एफ ट्रायंगल इज इनवैलिड, ठीक है। अब सबसे पहले इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, टोटल एंगल कितना आ रहा है, प्रिंट एफ टोटल एंगल इज परसेंट डी कॉमा TOANG, ठीक है। सो समझते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए, उसके बाद INT मेन ओपन कर लिया मैसेज INT एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड टोटल एंगल, फिर उसका प्रिंट कर दिए इंटर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद स्कैन कर लिए तीनों एंगल के लिए,
एंड एंगल वन एंड एंगल टू एंड एंगल थ्री। अब टोटल एंगल निकाल दिया यहाँ पर, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। अब इसको प्रिंट करवा दिया टोटल एंगल को। अब कंपेयर कर रहे हैं, अगर 180 के बराबर है तो फिर ट्रायंगल वैलिड है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल इनवैलिड है। ठीक है, अब रन करवाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये रॉन्ग था। इफ के बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर में ट्रायंगल इज वैलिड, उसके बाद ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब ठीक है, अब रन करवाते हैं। 40, 50, 90 प्लस 90 180 आना चाहिए, ट्रायंगल इज वैलिड। ठीक है, यहाँ पर स्लैश इन डाल देते हैं, स्लैश इन। अब फिर करवाते हैं 40, 60, 50। टोटल एंगल 150 हो गया, इसलिए इनवैलिड। फिर करवाते हैं 50, 60, 20। टोटल एंगल 180, इसलिए ट्रायंगल वैलिड।